यजुर्वेद में पेड़ों का एक अलग ही महत्व दर्शाया गया है और संस्कृति में भी कई पेड़ पौधों का जो जिक्र है मिला हुआ है। एक औषधीय पेड़ है दशमूल पेड़, जिसको कहते हैं पाटला स्टीरियोस्पर्मम कैलनोइडस, और एक और पेड़ भी है जो दशमूल का ही पेड़ माना जाता है, शिवोना का। तो ये दोनों पेड़ जो हैं जिस फैमिली में आते हैं, शिवोना का परिवार, उसी फैमिली में एक और विलक्षण अद्भुत पेड़ है हमारे भारत में, मध्य भारत में, जिसको कहते हैं गरुड़ का पेड़। और गरुड़ जो है एक मिथक परिंदा है, और माना जाता है कि जो विष्णु का वाहन भी गरुड़ पक्षी ही है। तो गरुड़ पक्षी जो है वो एक शयन परिवार के ही परिंदे हैं, जो बाज की भांति दूसरे परिंदों का भी शिकार करते हैं। और इसको दो भागों में रखे जाते हैं शयन कुल में, एक तो महाशयन, दो किस्म के हैं, एक तो जो स्थल में रहते हैं जमीन पे रहते हैं, और दूसरे जो समुद्र में रहते हैं जल में रहते हैं। तो स्थल महाशयन भी परिंदे हैं और दूसरे जल महाशयन परिंदे। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो एक आस्था के चलते गरुड़ को विष्णु के वाहन के रूप में देखा गया, और इस पेड़ को गरुड़ का पेड़ क्यों कहा जाता है, ये पेड़ जो है इसलिए इसको गरुड़ का पेड़ कहा जाता है क्योंकि इस पेड़ पर जो फल होते हैं वो लंबी फलियां होती हैं, 1 मीटर लंबी फलियां, और बीच में से थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आकार की मुड़ी हुई, और ऐसे लगता है जैसे वो सांप का आकार हो, नाग का दर्शन करवाने वाला ये पेड़ जो है गरुड़ का पेड़ कहा गया। और इस पेड़ को बॉटनी में इसको एक जीनस का जो नाम दिया गया वो दो स्विस बॉटनिस्ट थे, हेनरिच जोलिंगर, और उनके साथ ही थे अलेक्जेंडर मोरिट्ज़ी। इन दोनों बॉटनिस्ट ने साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में, जावा सुमात्रा में काम किया था, और इन्होंने एक और जो डच बॉटनिस्ट थे जिनको जिनका नाम था जैकोब रेड मकेरा, जैकोब कार्नेलियस रेडर मकेरा, ये एक डच बॉटनिस्ट थे, और ये साउथ ईस्ट जो डच कंपनी थी आर्मी और फ्लीट ऑफ नेवी उसके भी कमांडर रहे, और ये जो है इनके ऑनर में इस पेड़ का नाम जो है रेडर मकेरा जीनस में इसको रखा गया। और फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जो विलियम रॉक्सबर्ग थे, सर्जन भी थे और वो बॉटनिस्ट भी थे, तो चूंकि वो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, उन्होंने बहुत पेड़ पौधों पे काम किया इंडिया में, तो उनके द्वारा इस पेड़ के जो फल हैं उसको देख करके स्पीशीज का नाम उनके द्वारा दिया गया ज़ाइलोकार्पा। ज़ाइलो जो है बुड को कहते हैं, लकड़ी को कहते हैं, तो ऐसा फल जो काष्ठीय हो जाए, जो बुड्ढी हो जाए लकड़ी की तरह सख्त, इसलिए स्पीशीज का नाम ज़ाइलोकार्पा। और रेडर मकेरा जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे कमिश्नर, और उनके इज्जत में इसका जो जीनस का नाम दिया गया रेडर मकेरा ज़ाइलोकार्पा, इसका पूरा नाम हो गया। तो इस जाति में, इस जीनस के अंतर्गत 16-17 स्पीशीज आती हैं। एक तो चाइना में है, तो जो चाइना की स्पीशीज है उसको कहते हैं चाइना डाल या सरपेंट ट्री, या उसका जो खूबसूरत जो पत्ते हैं बड़े चमकदार होते हैं, और इसीलिए उसको एमराल्ड ट्री भी नाम दिया गया। और मोस्टली ये पार्क्स गार्डन में लोग घरों में हाउस प्लांट की तरह इसको चाइना में रखते हैं, और ये प्लांट जो है ये स्पीशीज सिनिका है, सिनिका मतलब चाइना। और एक और स्पीशीज जो है साउथ ईस्ट एशिया में जावा सुमात्रा में है, जिसको कहते हैं रेडर मकेरा, वो जो स्पीशीज है
अलग है, उसका नाम है स्पीशीज का रेमी फ्लोरा। तो रेडर मकीरा रेमी फ्लोरा, रेमी मतलब ब्रांच और फ्लोरा मतलब फूल, तो ब्रांच पे फूलों के जो विभाजित शाखित एक स्वरूप है उसको देख करके स्पीशीज का नाम रखा गया रेमी फ्लोरा। तो ये पौधा जो है इसके भी सफेद फूल होते हैं। और हमारा जो भारतीय पेड़ जो मध्य प्रदेश में मिलता है, कुछ एक जगह महाराष्ट्र में भी मिलता है, और इसको बेंगलोर कर्नाटका में भी देखा गया। और जब हाल ही में बेंगलोर में गया था तो वहां पे फाउंडेशन फॉर रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस, जिन्होंने मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है और उन्होंने अलग अलग जगहों से पेड़ पौधों को वहां एकत्रित किया है, तो उसमें ये पेड़ पौधा जो है मुझे देखने को मिला था, जिसको कहते हैं गरुड़ का पेड़। इसको हम सांप का पेड़ या नाग का पेड़ भी कह सकते हैं। इसके सांप जैसे लंबी फलियों के आकार को देखते हुए इसको अंग्रेजों ने भी नाम दिए हैं। इसका एक अंग्रेजी नाम है स्टैग हॉर्न ट्रम्पेट ट्री, क्योंकि ट्रम्पेट ट्री जो है ओरोजाइलम इंडिकम जो दशमूल ट्री है शिवना का, उसको भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो फूल हैं वो ट्रम्पेट जो तूतियां होती हैं, तूती के आकार के जो फूल होते हैं, जिसमें मोस्टली टेबुबियाज आते हैं अमेरिका के, साउथ अमेरिका के कई पेड़ पौधे जो हमारे बेंगलोर में भी लगे हुए हैं, हैदराबाद में भी, जम्मू में भी हमने लगाए हुए हैं, उनको बोलते हैं टेबुबिया, और कॉमन नेम है ट्रम्पेट ट्रीज, क्योंकि उनके जो फूल हैं वो तूती की तरह होते हैं। तो उसी के आधार पर ये जो गरुड़ का पेड़ है या नाग का पेड़ है, सांप की फलियों जैसा जो पेड़ है, इसकी जो शिनाख्त है इसको भी अंग्रेजों ने ट्रम्पेट ट्री में ही रखा। लेकिन ये इंडियन ट्री है या चाइना ट्री है या साउथ एशियन ट्री है, तो स्टैग हॉर्न ट्रम्पेट फ्लावर ट्री एक इसका नाम है। दूसरा एक और नाम है वाइल्ड बुल्स हॉर्न ट्री, तो हॉर्न उसके सींग होते हैं, बुल का हॉर्न की तरह भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो लंबी फलियां हैं सरपेंटाइन फली है और वो वुडी है, इतनी मोटी और दो इंच तक मोटी हो जाती है और 1 मीटर लंबी, और ये फली थोड़ी सी बीच में से घुमावदार भी रहती है, तो बिल्कुल दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे सांप लटके हों, और माना जाता है कि गरुड़ जो है वो सांपों को खा जाते हैं, सर्प भक्षी होते हैं। तो इसके आधार पर मध्य प्रदेश के जैसे बांधवगढ़ का किला है, उसके आसपास के जो गांव के लोग हैं, वहां के लोगों में ये धारणा है कि अगर हम इसकी फलियों को घर में रखते हैं, घर में ले आते हैं, तो घर में कभी सांप नहीं आएंगे। तो सांप को भगाने के लिए, जब सांप घर में ना आए, इसलिए भी इस फली को बाजार में बेचा जाता है, बाजार में लोग खरीदते भी हैं और जंगलों से भी जो है तोड़ के ये फलियां लाई जाती हैं। गरुड़ का पेड़ की तरह ही जैसे हमारे भद्रबाग के इलाके में एक जड़ी बूटी होती है चोरू होता है, तो चोरू की भी जड़ों को उसको उसकी धुनी देने से, उसको जला करके जो धुआं देने से माना जाता है सांप जो है भाग जाते हैं, घर में सांप नहीं आते। तो उसी किस्म की धारणा इस पेड़ से भी जुड़ी हुई है, जिसको बॉटनी में साइंस में कहते हैं रेडर मकेरा ज़ाइलोकार्पा, और इसी की एक स्पीशीज चाइना में रेडर मकेरा सिनिका, और एक साउथ ईस्ट एशिया में रेडर मकेरा रेमी फ्लोरा। पाटला किस साथ भी इसको रखा गया, जैसे टी एंडरसन और ब्रैंडिस ने इसको रखा स्पैथोडिया में, और जो हमारे बेंथम हुकर थे उन्होंने इसको रख दिया स्टीरियोस्पर्मम में, लेकिन जो स्टीरियोस्पर्मम कैलोनाइडस है जो एक दशमूल ट्री है, उसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां तो दोनों में आमने सामने होती हैं और वो कंपाउंड है, अपोजिट लीव्स हैं और कंपाउंड हैं, यूनिपिनेट होते हैं पाटला में, जो स्टीरियोस्पर्मम कैलोनाइडस जो दशमूल ट्री है उसमें यूनिपिनेट पत्ते रहते हैं, पत्ते एक बार ही विभाजित होते हैं पत्तियों में, लेकिन जो रेडर मकेरा ट्री है, जो नाग वृक्ष कहिए इसको या गरुड़ का पेड़ रेडर मकेरा, इसमें पत्तियां 2 पिनेट रहती हैं या 3 पिनेट रहती हैं। तो 2 पिनेट होना या 3 पिनेट होना, ये बात जो है ओरोजाइलम इंडिकम की तरह जो एक और दशमूल ट्री है शिवना का, उसकी बाईपिनेट नेचर जो है वो इससे मिलती है गरुड़ के पेड़ के साथ। लेकिन जो फूलों का रंग है
वो जो है सफेद होता है, जैसे कि शियोनाका में हम देखते हैं तो वो फूल जो है बाहर से पर्पलिश होते हैं, थोड़े रेड पर्पल होते हैं और अंदर से थोड़े येलोइश रहते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल सफेद फूल रहते हैं, सिर्फ गले में थोड़ी सी जो पीली धारियां हमें दिखाई देती हैं इसके फूलों में। और जिस तरह का परिवार है बिग्नोनियसी या शियोनाका परिवार, तो इसमें चार स्टेमन्स होती हैं और एक स्टेमिनोड रहती है, और जो कोरोला है वो एक तूती की तरह एक जुड़ा हुआ होता है या फनल की तरह का, और इसकी जो फली है वो बहुत लंबी होती है, जहाँ के हम उसमें भी देखते हैं ओरोजाइलम शियोनाका में, लेकिन वो चपटी फली होती है और इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन वो ज्यादा चौड़ी होती है, इसकी थोड़ी कम चौड़ी होती है, और दूसरी बात बीच में घुमावदार होती है, तो बिल्कुल ही ये जैसे सांप लटके हों उसी तरह का जो दृश्य नजर आता है, और उसके चलते इसके कई नाम हैं। तो एक नाम जो है इसका, इसको पाडरी ट्री भी कहते हैं, और तमिल में इसको पतीरी भी कहा गया, और उसके चलते कुछ लोग जो हैं इसको गरुड़ का पेड़ भी कहते हैं, और स्टैग हॉर्न ट्री या फिर वाइल्ड बुल हॉर्न ट्री, लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड में इसको जो यूनिवर्सल नाम है, जब हम रेडर में केरा जाइलोकार्पा कहेंगे तो दुनिया में अलग अलग भाषाओं के लोग जो हैं, साइंटिस्ट हों या आम लोग हों, वो जुड़ेंगे ये पेड़ है। और जब हम लोकल नाम की बात करते हैं तो चाइना का नाम अलग होगा, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ और कहेंगे, मध्य प्रदेश में नाम अलग होगा, महाराष्ट्र में जाएगा तो मराठी नाम थोड़ा बदल सकता है, तमिलनाडु का नाम बिल्कुल ही फिर बदल जाता है। तो जो स्थानीय नाम होते हैं, ये स्थानिक अपनी लोकल लेवल पे उनका एक महत्व रहता है, लोग उस भली भांति परिचित होते हैं और उससे जुड़े रहते हैं, लेकिन जब हम वर्ल्ड के विश्व के लेवल पे बात करते हैं तो उस वक्त हमको फिर बॉटनिकल नेम जो है वही रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल होते हैं, वो एक सिस्टम के तहत उनको एक मान्यता मिली होती है, और जो नामकरण करते हैं उन वो भी एक विख्यात वनस्पति विशेषज्ञ होते हैं, बॉटनिस्ट होते हैं, और उनके कही हुई बात को सर्वमान्य माना जाता है, और पूरे दुनिया में उन बोटानिकल नाम को एक एक्सेप्टेंस मिलती है। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय आस्था की बात करते हैं, भारतीय आयुर्वेद की बात करते हैं, तो इस पेड़ को हम गरुड़ का पेड़ भी कहते हैं, जैसे जनमानस में ये नाम है तो उसको भी हम मानेंगे, और सांप का पेड़ भी इसलिए कि सांप की तरह दिखने वाली फलियां इसमें लगी रहती हैं इसलिए भी। और एक और खास बात इस पेड़ की है कि जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं, मोस्टली इसमें एवरग्रीन स्पीशीज है, लेकिन जो हमारी भारत की स्पीशीज है जिसमें पत्ते गिरते हैं, पत्ते झड़ते हैं, तो पत्ते झड़ने मेरे पतझड़ के मौसम के बाद मार्च अप्रैल मई में इसमें फूल आएंगे, और जब फूल आते हैं तब पत्ते नहीं आए होते हैं, तो नंगी शाखाओं पर इसके सफेद फूल दिखाई देते हैं, लेकिन फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और कई किस्म की हनी बीज इंसेक्ट्स जो हैं वो भी परागण करने के लिए भी आते हैं, और कहीं ना कहीं इनको जो अपना पराग है या मकरंद है उसकी खोज में भी निकलते हैं। इतना ही नहीं, सनबर्ड्स भी आते हैं, हालांकि वो पॉलिनेट नहीं करते, सफेद फूलों को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन पर्पल सनबर्ड सनाइरिस एशियाटिकस को देखा गया है कि वो आके इसकी फूल में नीचे शेद कर देता है चुन से, और वहां से मकरंद को चुरा लेता है, तो उसको हनी थीविंग हम कह सकते हैं, या नेक्टर थीफ, मकरंद चोर की तरह जो है सनबर्ड भी इसके पेड़ के फूलों से जुड़ा हुआ है, और इसकी पत्तियां जो हैं वो चौड़ी लंबी होती हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से स्पैथोडिया कंपेन्यूलेटा की भी पत्तियां होती हैं, जिसको हम रुद्रप्लाश भी कहते हैं या पिचकारी भी कहते हैं, वो भी जम्मू में गार्डन में लगा हुआ है पेड़, या इसकी पत्तियां शिवनाका से भी मिलती जुलती हैं, जिसको हम कहते हैं अरलू, और लोकल पंजाबी डोगरी में तो उसको कहते हैं मलीन या मुंजन मरिंजन। तो ये सारे जो दो पेड़ हैं इसमें से जिसको हम कहते हैं कि वो दशमूल पेड़ हैं, शिवनाक और पाटला, और उसी परिवार का ये बड़ा विलक्षण पेड़, दुर्लभ पेड़, इतना ज्यादा आम भी नहीं है, लेकिन एक बहुत ही चमत्कारी पेड़ माना गया है, रेडर मकेरा
ज़ाइलोकार्पा। शुक्रिया।